इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बाजार में अच्छे दुपट्टे बनना ही बंद हो गए। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद देख चलेंगे, वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। कबीर और जारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या बेटा, वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था। ये वही जारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरजू क्यों रखेगी कबीर? जारा हमसे मिलना चाहती है और हम जारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा 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 मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे, हम खत्म करके रहेंगे, हम खत्म करके रहेंगे। हम जारा अहमद बिनते इरफान सद्दकी कबीर अहमद से खोला चाहते हैं। अब आप जारा अहमद की गुजारिश से फैसला देंगे? जारा की इस ख्वाहिश को पूरी करेंगे और उसे तलाक देंगे। काजी साहब, जारा ने आज तक जो हमारा नुकसान किया, ये उसका बिल। जो हमारी आंखें देख रही हैं वो किसी और की नहीं। कबीर के दिल में आज भी हमारे लिए मोहब्बत है, तो फिर लवों पर इनकार क्यों? हम इसकी वजह जानकर रहेंगे। जारा से ताल्लुक रखना तुम पर अजाब बन के टूटेगा, मगर याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जारू, एक वीडियो कितनी दफा देखोगी बताओ जरा? अरे इस वीडियो में क्लियरली कबीर के अब्बू अल्लाह जाने कौन से अंजाम का हवाला देकर उसे धमका रहे हैं। हमें वही तो समझ नहीं आ रहा है अज़रा कि अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे हैं। लेकिन अब्बू की इस धमकी से ना हमारा शक यकीन में बदल गया है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो कबीर हमसे छुपा रहा है। लेकिन बात क्या है और कबीर हमसे क्यों छुपा रहा है वो कैसे पता चलेगा? इससे पता करें। हाँ सारू सुनो ना, कबीर की अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है ना, तुम डायरेक्टली उनको कॉल करो और पूछो ना कि माजरा क्या है। सिंपल ना अज़रा। तुम तो जानते हो ना कोमा के इलाज के दौरान हमसे हमारा फोन छीन लिया गया था, अभी एक महीने पहले ही तो मिला है। सारू, अम्मी ने फोन इसलिए लिया हुआ था क्योंकि उसकी रेस से ना तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती थी। और तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हें फोन मिला था कैसे उछल रही थी तुम खुशियों के मारे? लेकिन उसमें किसी का नंबर नहीं है ना, कबीर का नंबर तो हमें मुंह जुबानी याद है। लेकिन जनाब ने अपनी सिम कार्ड बदल ली। कितनी बार कोशिश की अम्मा अब्बा से अम्मी और अलीना का नंबर मिल जाए, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि अपने माजी से दूर रहें। जितनी भी बार कबीर का नाम आता है इतने परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह रहम करे। दारू सुनो एक बार, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे और सच बताए हमें तो लगता है कि एकदम ठीक किया कि उन्होंने तुम्हारी सास का नंबर तुम्हें नहीं दिया। अरे जब तुम बीमार थी, मुंबई में थी, एक बार भी उन्होंने फोन किया नहीं, और एक दफा मिलने भी आए नहीं। अरे कोई मजबूरी होगी, हम अम्मी को जानते हैं। वैसे भी हमारा उस घर से रिश्ता कबीर के जरिए था, हम कबीर से जुड़े हुए थे। जब वही हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो अम्मी किस मुंह से हमारी खैरियत लेती? जारू
अल्लाह ने ना तुम्हें इतने खूबसूरत चेहरे से नवाजा है, ऐसे उदासी भरा चेहरा बना कर ना उसकी धज्जा मत उड़ाओ। तुम्हें नंबर चाहिए तुम्हारी सास का, हम लाते हैं, खुश हो जाओ। लेकिन कैसे? हमने ना फूफी जान को किचन में देखा, उनका फोन वहां पे पड़ा हुआ था साइड में। तुम चुपके से जाएंगे और तुम्हारी सास का नंबर लाकर तुम्हें दे देंगे, ठीक है? अब अभी लेके आते हैं। अज़रा, पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और हम कसम खाते कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चली जाएगी। बस उसे बचा ले, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। तुम जानते हो पिछले 3 महीनों में जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है उतनी बार उसकी तबीयत और खराब हुई है। वादा हमेशा याद रखना, तुम ज़ारा से मत मिलना। डॉक्टर नगमा के फिजो सेंटर से आए हैं। नगमा जी ने मुझको और ड्राइवर को खास आपके लिए भेजा है, आपको ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ज़ारा के बगैर हम फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं ज़ारा भाभी आपके साथ होंगी। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुम दोनों को डांस शुरू होने से ठीक पहले गाने दिए जाएंगे। बिना अभ्यास किए जो भी नाच अच्छा करेगा वही जीत जाएगा। जब बुआ जी गाने बजाने का इशारा करेंगी तब तुम वही गाने बजाओगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। साहिल की उतरी हुई हल्दी ले आए हैं हम अपनी बहू अवंतिका के लिए। सुना है दूल्हे की उतरी हुई हल्दी लगाने से दुल्हन का रूप और निखर जाता है। अब पहले गीत देखिए, अप्रूवल तो दे दे अपनी होने वाली भाभी को। ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई? कौन है ये और आपकी क्या लगती है? सरिता जी से कहना कि वी आर रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं एक्चुअली भूल गया था। और ये एडवांस। थैंक यू सर। सरिता जी से कहना कि एक्चुअली इसका ध्यान जो है ना वो कॉफी में था। अरे सर नो इट्स ओके, आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता। एनीवे थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। आगे देखो। धोखा देना फितरत है तेरी, ये सब हर उस धोखे के लिए जो तूने हर पल मुझे और राम को दिए। हो ना हो विवियन को काली ने ही मारा है। मंजुला जाके मेरी गाड़ी साफ कर। त्रिपाठी जी बस माँ को रोक लीजिए, बदले में आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए। तुम सारी मीडिया के सामने कानूनी रूप से घर और अस्पताल मेरे नाम कर दो। बच्ची की रक्षा करना गणपति बाप्पा, उसके साथ कोई अन्याय मत होने देना। देखो मलार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुरंत यहाँ जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे आने से पहले ही वो अपना फैसला सुना दे। मल्हार राणे की गैरहाजिरी से यह साबित होता है कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए संपदा राणे और अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते।
ये मेरी जन्मभूमि है और आज से मेरी कर्मभूमि भी बनने जा रही है। एक बार फिर से अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मुझे अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी प्रामाणिकता और ड्यूटी के प्रति वफादारी निभाने का मौका दी। क्या होगा जब अस्मिता के पुलिस होने की सच्चाई शान के सामने आ जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे